NSR Pilans and good morning and आज है ईद का डे टू और हम बना रहे हैं नाश्ता और यहाँ मैंने मलाई वाली कढ़ाई अपनी गर्म कर ली है ठीक है और जो है सॉरी मलाई हांडी ठीक है और यहाँ पर हमने चाय बनाने के लिए रखी है और साथ में रात में रोटी खाए थे बाहर से तो उसी को हम करेंगे गर्म बस ये अभी नाश्ते के काम में बच्चे ज़रा उठ चुके हैं और खेल कूद में लगे हुए सुबह सुबह उठ के तो बस जल्दी से बनाते हैं नाश्ता और जो भी आज की रूटीन होगी बच्चों की वो सब आपके साथ शेयर करते हैं क्या हो रहा है और ये है हमारी ईद का डे टू मासियों वाला काम खत्म ही नहीं होकर दे रहा इतना कचरा निकला है आज भी देखे अभी सो अभी सफाई करते हैं फिर देखते हैं बर्तन भी धोने क्या करना है सारे काम रहते हैं लेट्स सी ये है बर्तन शर्तन वॉश करने नाश्ते के और क्या करना है वो सब देखते हैं क्या पकाना है क्या करना है फ्रिज भी सही काम नहीं कर रही वो भी एक इशू है सो जी यहाँ पर जो ना गेस्ट आ गए थे तो उनको खाना वाना सर्व करना था कल का दिन भी बहुत बिजी गुजरा था तो यहाँ पर जो है ना पहले बाकी मैंने सर्विंग कर दी थी लेकिन फिर खाने का टाइम था तो ऑब्वियसली आपको पता अच्छा नहीं लगता तो मैंने राइस बना लिए थे चिकन मटर राइस थे और ये पुलाव बना लिया था मैंने बहुत ही टेस्टी और मज़े का था साथ में सैलड वगैरह कर लिया था और उससे पहले मैंने खीर मीठे में खीर थी और साथ में मैंने पोटैटो समोसाज वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें सर्व की थी जो आप पता ईद की रिफ़्रेशमेंट होती वो दे दी थी और यहाँ पर जी हमारी दावत थी तो जो है हम लोग वहाँ चले गए थे और ये था टाइम शाम का बच्चों का आप देख सकते हैं बच्चे तैयार हुए हुए थे और बस हम लोग जा रहे थे तो यहाँ ये बस ये तैयारी थी और फिर ये कुछ जो है ना मोमेंट आपके साथ शेयर करें जब हम निकले थे जाते हुए कि और कुछ वापसी के हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था और आपको पता जब आपकी फैमिली में जिनको नहीं पता होता उनके सामने आप ब्लॉग बनाते हैं तो और आपको पता जब करते हुए होते हैं तो फिर बंदे को अच्छा भी नहीं लग रहा होता ना सो ड्यू टू दिस रीज़न मैंने वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं किया खाना वाना क्या था ये वो सब कुछ भी शूट नहीं किया बस मैंने कुछ जो है ना वहाँ पर पैरट्स थे तो बस उनको देखा वहाँ पर भी बनाई थी और कुछ भी नहीं बनाया था ये जाते हुए के मोमेंट्स हैं और बहुत इंतहाई रश था रोड्स के ऊपर मच्छर फैसल आपको पता है बहुत ज़्यादा बिजी रोड होता है तो ठीक ठाक जो है ना बहुत ज़्यादा रश था
ये कुछ मोमेंट थे जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और बहुत ज़्यादा रश हो गया था वापसी में भी, तो बच्चे खैर सो गए थे वापसी में, से कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। अंदर वो देखो अंदर छुप के बैठा हुआ है। बंद किया है ताकि बाहर ना निकल जाए ना इसलिए। अच्छा वो देखो फिर ये देखो ये देखो दे दो दे दो ब्लू वाले हाँ ये ब्लू वाले हैं भी प्यारे हैं। वो ब्लू वाले इतने प्यारे लग रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा। तो सुनने के लिए बहुत अच्छा क्या है।